गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया. मैंने क्या पूछा आप लोगों से? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है. ये क्या दिख रहा है आप लोगों को चित्र में? एक दुकान नजर आ रही है, एक शॉप नजर आ रही है. हमको आज इस दुकान में जाना है, हमको कुछ सामान भी लेना है वहां से, चलेंगे ना? एक प्रॉब्लम है, ये जो दुकानदार है इसको हिंदी नहीं आती. हमको वहां जाने के बाद इनसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी. कर पाएंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी सीख लेते हैं कि हमको कैसे बोलना है. जब हम वहां जाएंगे, शॉप में पहुंचेंगे, तो हम किस तरह से बात करेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूं, ठीक है? उसके बाद फिर हम उस दुकान पे जाएंगे और सामान खरीद के लाएंगे. तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है? फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे. हमारी लिस्ट, हमको क्या क्या खरीदना है. ठीक है, हमारी लिस्ट में है, हमको क्या क्या नहीं है अपने पास में? शुगर नहीं है, शक्कर नहीं है ना? अच्छा, शुगर 5 kgs, 5 किलो शक्कर चाहिए हमको, ठीक है? और क्या चाहिए? पेंस, कितने पेंस लेना है, या पेन लिख लीजिए, पेन लेना है हमको, हाउ मेनी? 5, ठीक है? और क्या लेना है? ऑयल लेना है. अच्छा, ऑयल लेना है, तेल कितना लेना है? 1 liter, ठीक है? और क्या? पेंसिल्स, ठीक है? पेंसिल, कितनी पेंसिल लेना है हमको? 3. और कुछ, और किसी चीज का नाम? राइस. अच्छा, राइस कितना? 5 kgs. इसके अलावा और कोई चीज? टॉफीज भी लेना है. ओके, टॉफी 1 box, ठीक है? हमको इतना सामान लेना है, शुगर लेना है, पेन लेना है, ऑयल लेना है, पेंसिल लेना है, राइस और टॉफी, ठीक है? मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे जो शॉपकीपर हैं, हमारे जो दुकानदार हैं, उनको हिंदी नहीं आती, और हमको उनसे कैसे बात करना है? इंग्लिश में बात करना है. तो चलिए हम उनसे बात करेंगे और उनके पास से हम ये सारा सामान लेके आएंगे, ठीक है? अब हमको कैसे बात करना है अंग्रेजी में, हम एक बार उसकी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? अब चले दुकान, दुकान पहुंचे तो सबसे पहले शॉपकीपर हमको मिल गए, वो आपको पहचानते हैं. शॉपकीपर ने आपको देखा और आपसे कहा, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आप कैसे हैं? आपने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू. आई एम फाइन, थैंक यू. एंड यहीं पे इसी के साथ ही ले लीजिएगा, थैंक यू. एंड हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, धन्यवाद. और आप कैसे हैं? अब शॉपकीपर कहेंगे. अंदाज हम लोग लगा रहे हैं कि ये बातें वो आपसे कह सकते हैं. I am
also fine. Thank you. ठीक है, इस तरह से आपने हाउ आर यू हमने आपस में एक दूसरे से बात कर ली, आप कैसे हैं। अब आपसे दुकानदार, जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपसे क्या पूछते हैं? व्हाट डू यू वांट? आपको क्या चाहिए? अब आपका जवाब है, आपको तो इतनी सारी चीजें चाहिए, आप एक एक करके बोलेंगे ना. यू, आप बोलेंगे आई वॉन्ट शुगर. मुझे क्या चीज चाहिए? शुगर. अब दुकानदार पूछेंगे, शॉपकीपर, कितनी शक्कर चाहिए? हाउ मच शुगर डू यू वॉन्ट? कितनी शक्कर चाहिए? हाउ मच? आपका जवाब रहेगा आई वॉन्ट 5 kgs ऑफ शुगर. इससे पहले कि मैं इसको मिटा के आगे चलूं, एक बार हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं. शॉपकीपर पूछे, आप दुकान पहुंच गए तो आपसे शॉपकीपर ने पूछा, हेलो हाउ आर यू? शॉपकीपर कह रहे हैं, हेलो हाउ आर यू? दोहराइए मेरे साथ. आपने कहा आई एम फाइन थैंक यू. And how are you? Shopkeeper ने कहा, I am also fine, thank you. I am also fine, thank you. What do you want? आपको क्या चाहिए? Want का मतलब चाहना. आपने कहा, I want sugar. मुझे शक्कर चाहिए. I want sugar. शॉपकीपर, दुकानदार ने कहा, How much sugar do you want? आपको कितनी शक्कर चाहिए? आपने कहा, I want 5 kgs of sugar. मुझे कितनी शक्कर चाहिए? 5 kilo शक्कर चाहिए. समझ में आया अच्छी तरह से? अब हम आगे जाना है, हमको सेकेंड आइटम पे पेन. अब क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं कि हमको पेन के लिए पूछना है. आपने शक्कर ले ली, उसके बाद आपसे शॉपकीपर पूछेंगे, What else do you want? इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए? आपने कहा, आपका आंसर आया, I Want pen. क्या चाहिए मुझे?
पेन चाहिए। अब फिर आपसे शॉपकीपर पूछेंगे कि आपको कितने पेन चाहिए। शॉपकीपर ने आपसे पूछा, हाउ मैनी पेन्स डू यू वॉन्ट। आपको कितने पेन्स चाहिए? आपका जवाब, आई वॉन्ट फाइव, फाइव लिखा है ना, पेन्स। हम शक्कर को गिन सकते हैं क्या बेटा? नहीं। जब हम शक्कर नहीं गिन सकते हैं तो हमने हाउ मच शुगर, दुकानदार ने पूछा था हमसे, हाउ मच शुगर डू यू वॉन्ट। हम पेन्स को गिन सकते हैं तो इन्होंने पूछा, हाउ मेनी पेन्स डू यू वॉन्ट। अब आई वॉन्ट फाइव पेन्स। अब फिर शॉपकीपर पूछेंगे, वॉट एल्स डू यू वॉन्ट, और कुछ चाहिए? वॉट एल्स डू यू वॉन्ट। अब आपको चाहिए तेल, ऑयल। आप बोलेंगे, आई वॉन्ट ऑयल। फिर शॉपकीपर का क्वेश्चन आएगा, हाउ, अब बताइए तेल के लिए हम मच लगाएंगे कि मैनी? मच। तेल को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो हम बोलेंगे हाउ मच, शॉपकीपर बोलेंगे, आई एम सॉरी, हाउ मच ऑयल डू यू वॉन्ट। हाउ मच ऑयल डू यू वॉन्ट? तो आपका जवाब क्या रहेगा? आई वॉन्ट वन लीटर ऑयल। ठीक है, क्या चाहिए आपको? एक लीटर तेल चाहिए। इसके बाद अगला है पेंसिल। एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। शॉपकीपर पूछेंगे, व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट? आपका जवाब होगा, आई वॉन्ट पेन। शॉपकीपर पूछेंगे, हाउ मेनी पेन्स डू यू वॉन्ट? आप बोलेंगे, आई वॉन्ट फाइव पेन्स। शॉपकीपर पूछेंगे, व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट? और क्या चाहिए आपको अतिरिक्त? आप बोलेंगे, आई वॉन्ट ऑयल। शॉपकीपर पूछेंगे, हाउ मच ऑयल डू यू वॉन्ट? आप बोलेंगे, आई वॉन्ट वन लीटर ऑयल। अब इसके बाद अगला जो है ऑयल के बाद पेंसिल्स पे आएंगे। कितनी पेंसिल्स आपसे फिर पूछेंगे शॉपकीपर? क्या पूछेंगे? व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट? फिर उनका प्रश्न आएगा शॉपकीपर का, और कुछ चाहिए? व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? आई वॉन्ट पेंसिल्स, मुझे पेंसिल्स चाहिए। शॉपकीपर पूछेंगे, क्या पूछेंगे? अब बताइए, हाउ मच बोलेंगे कि हाउ मेनी बोलेंगे? हाउ मेनी है ना,
हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट? हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट? आपका आंसर होगा आई वॉन्ट 3 पेंसिल्स. फिर शॉपकीपर पूछेंगे और आपको क्या चाहिए? What else do you want? आपको और क्या चाहिए? आप बोलेंगे I want. अब हम राइस पे आ गए. 5 kgs of rice. आप राइस मांग रहे हैं कितना? 5 किलो. शॉपकीपर बोलेंगे शॉपकीपर आपसे पूछेंगे व्हाट एल्स. आपने डायरेक्ट पूछ लिया या आप बोल सकते थे I want 5 kgs of rice. Yeah, I want, yeah, rice. How much rice? Then 5 kgs of rice. इस तरह से भी हो सकता था conversation. जैसे toffees की बात आई, है ना? तो what else do you want? फिर वो पूछ सकते हैं आपसे. What else do you want? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टॉफीज. मुझे क्या चाहिए? टॉफीज चाहिए. अब शॉपकीपर आपसे पूछेंगे कितनी टॉफीज चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से पूछ रहे हैं शॉपकीपर आपसे. टॉफीज के लिए वो हाउ मच यूज करते हैं कि हाउ मेनी यूज करते हैं? क्या यूज करना चाहिए उनको? हाउ मेनी. शॉपकीपर आपसे पूछेंगे हाउ मेनी टॉफीज डू यू वॉन्ट? आपको कितनी टॉफीज चाहिए? आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ बॉक्स ऑफ टॉफीज. आई वॉन्ट अ बॉक्स ऑफ टॉफीज. मुझे एक पूरा बॉक्स चाहिए टॉफीज का. एक बार इसको देखिए. आई वॉन्ट 3 पेंसिल्स. शॉपकीपर पूछेंगे व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट? आप बोलेंगे आई वॉन्ट 5 केजीज ऑफ राइस. शॉपकीपर पूछेंगे व्हाट एल्स डू यू वॉन्ट? आप जवाब देंगे आई वॉन्ट टॉफीज. शॉपकीपर पूछेंगे हाउ मेनी टॉफीज डू यू वॉन्ट? आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ बॉक्स ऑफ टॉफीज. इसके बाद आपसे शॉपकीपर पूछेंगे फिर से शॉपकीपर आपसे पूछ रहे हैं एनीथिंग एल्स, कुछ और?
आपकी लिस्ट कंप्लीट हो गई है ना, तो आप बोलेंगे नो, थैंक यू, अब आप सामान लेंगे और सामान लेने के बाद आप उठ के जा सकते हैं क्या? आपको पेमेंट करना है। आप पूछेंगे इसी के साथ ही हाउ मच इज द बिल, हाउ मच इज द बिल। आपने सामान लिया है, मान लीजिए आपका बिल हो रहा है 500 रुपीज का, तो वो बोलेंगे ₹500। उसके बाद आप उनको पैसा पे करेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू, और उसके बाद आप दुकान से निकलेंगे। हम इस कन्वर्सेशन को एक बार देख लेते हैं। शॉपकीपर पूछ रहे हैं हाउ मेनी टॉफीज डू यू वॉन्ट, आपने कहा आई वॉन्ट अ बॉक्स ऑफ टॉफीज, शॉपकीपर ने कहा एनीथिंग एल्स, कुछ और, आपने कहा नो थैंक यू, हाउ मच इज द बिल, शॉपकीपर ने कहा ₹500, और उसके बाद आप ₹500 देते हैं और एक दूसरे को थैंक यू कह के आप वहां से वापस निकलते हैं। इस सारे कन्वर्सेशन को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अभी हमारा ये क्लास खत्म होने के बाद हमको इनके पास जाना है और जाके हमको ये सामान लेके आना है, और इनको इंग्लिश ही आती है, इनको हिंदी नहीं आती, तो आपको बोलना पड़ेगा उस तरह से, तैयार रहिए। एक चीज इस कन्वर्सेशन से जो आपने सीखा उसको हम एक बार आपको शॉर्ट में फिर से बता देते हैं। इस लिस्ट में दो तरह की चीजें हैं, एक वो चीजें हैं जो काउंटेबल है और एक वो चीजें हैं जो अनकाउंटेबल है। जो काउंटेबल है उनको हम गिन सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है उनको हम गिन नहीं सकते। शुगर काउंटेबल में आएगा कि अनकाउंटेबल में? वेरी गुड, शुगर अनकाउंटेबल में आएगा, शक्कर को आप गिन नहीं सकते। पेन किस में आएगा? काउंटेबल में आएगा, वेरी गुड। ऑयल किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा। पेंसिल किस में आएगा? काउंटेबल में आएगा। राइस किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा। टॉफीज किस में आएंगी? काउंटेबल में आएंगे। इसको भी पेंस कर देते हैं। चलिए अब ये जितने काउंटेबल हैं इनके लिए जब प्रश्न हुआ तो शॉपकीपर ने पूछा हाउ मेनी, आपने कहा आई वॉन्ट पेंस, उन्होंने कहा हाउ मेनी, आपने कहा पेंसिल्स, उन्होंने कहा हाउ मेनी, आपने कहा टॉफीज, उन्होंने कहा हाउ मेनी। जब आपने शुगर ऑयल और राइस को खरीदने की बात की उन्होंने कहा हाउ मच, I want sugar, how much? I want oil, how much? I want rice, how much? यहां how many हम यूज करते हैं संख्या बताने के लिए, नंबर्स के लिए, कितने नंबर्स जिनको हम गिन सकते हैं, और how much मात्रा, मात्रा या जिसे आप कहते हैं क्वांटिटी। हाउ मेनी,
जब आप संख्या में जिन चीजों को बोल सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी यूज होगा, और हाउ मच यूज होगा किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए, कितनी मात्रा, एक लीटर, पांच किलो, पांच किलो, दो किलो, तीन किलो। आया समझ में अच्छी तरह से? इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अभी आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे जब आप दुकान में जाएंगे। तो अब इसी हाउ के उपयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। आपने सीखा हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब कुछ आपने सीखा, ये सब कुछ आपने सुना, सब कुछ आपने देखा, किससे? हाउ डू वी सी, हम कैसे देखते हैं? वी सी विथ आवर आईज, हम किससे देखते हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं। हम कैसे सुनते हैं? कैसे प्रश्न बनाएंगे? हाउ डू We hear, हम कैसे सुनते हैं? We hear with our ears, हम अपने कानों से सुनते हैं। How do We smell, हम कैसे सूंघते हैं, खुशबू कैसे लेते हैं? We smell with our nose, हम किससे सूंघते हैं? We smell with our nose, sorry, ये interrogative नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। हम चलते कैसे हैं? हाउ डू वी वॉक, क्या होगा आंसर? हम चलते कैसे हैं? पैरों से। वी वॉक विथ आवर लेग्स, हाउ डू वी राइट, क्या मतलब हुआ? हम लिखते कैसे हैं? वी राइट विथ आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से लिखते हैं। एक बार इन सारे वाक्यों को मेरे साथ बोलेंगे। हाउ डू वी सी, हाउ डू वी सी, हम देखते कैसे हैं? वी सी विथ आवर आईज, वी सी विथ आवर आईज। हाउ डू वी हियर, वी हियर विथ आवर ears, ears माने कान। How do we smell? We smell with our nose. How do we walk? We walk with our legs. How do we write? We write with our hands. ठीक है, आपने सीखा हाउ, आपने सीखा हाउ मेनी, आपने सीखा हाउ मच, और आपने सीखा हाउ डू, इसका मतलब होता है कैसे। हाउ माने कैसे, हाउ डू हम कैसे करते हैं, हाउ डू वी सी, हाउ डू वी स्मेल,
हाउ डू वी हियर, हाउ मच का मतलब होता है कितना मात्रा में, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना संख्या में, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। आपको करना है एक्सरसाइज इसमें हाउ पे। सबसे पहले तैयार हो जाइए, हम आपको 5 क्वेश्चंस देंगे जिनको आपको हाउ से स्टार्ट करके प्रश्न बनाने हैं। पहला, आई एम फाइन। दूसरा, माई सिस्टर इज हेल्दी नाउ। क्या मतलब हुआ इसका? मेरी बहन अब अच्छी है, अब स्वस्थ है। इसका मतलब प्रश्न क्या बनेगा? आपकी बहन कैसी है? वी वॉक विद अवर लेग्स। ये तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, सामने है आपके। देर आर 5 पेंसिल्स इन द बॉक्स। आपको यहां पे प्रश्न करना है कितनी सारी पेंसिल्स बॉक्स में है, ठीक है। अब लास्ट है, वी कैन सी 2 बॉयज। आपको प्रश्न करना है आप इसमें कितने लड़कों को देख रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स स्पीक पे आते हैं। लेट्स स्पीक में हमको वही काम करना है जो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, एक शॉपकीपर और एक कस्टमर। तो दो बच्चे पेयर्स में आ जाइए। जो कस्टमर बच्चा है वो जो लिस्ट में यहां आपके बोर्ड पे सामान दिखेगा अभी उसको नोट करेगा, और शॉपकीपर जो दुकानदार बना है वो आंख बंद कर लेगा, ठीक है। पेयर्स में काम करना है, एक बच्चा आंख बंद कर ले, वो दुकानदार है, उसको सिर्फ अंग्रेजी आती है, उसको हिंदी नहीं आती। दूसरा बच्चा ग्राहक है, वो यहां बोर्ड पे जो दिख रहा है उन सामानों की लिस्ट बना ले फटाफट। अब आपको यहां पे शुरू करना है उसी तरह से जैसे शॉपकीपर और कस्टमर की बात हुई थी, वहां से शुरू करेंगे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो आई वांट जो भी चीज है, मान लीजिए आई वांट चॉकलेट्स। हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू वांट? आई वांट 10 चॉकलेट्स। व्हाट एल्स डू यू वांट? आई वांट राइस। हाउ मच राइस डू यू वांट? I want 10 kgs of rice. मैंने चॉकलेट और राइस को एग्जाम्पल दिया, यहां पे चीजें दूसरी हैं। आपको उस तरह से बोलना है। और फाइनली हाउ मच इज द बिल, और उसके बाद आप बिल आपको दुकानदार बताएगा, आप उसको पेमेंट करेंगे, थैंक्स बोलेंगे और वापस आएंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए फटाफट सारे बच्चे जल्दी से बात करेंगे, एक ग्राहक, दूसरा उनका दुकानदार, और जल्दी से आप लोग अंग्रेजी में बात कीजिए। जब तक आप लोग बात नहीं कर लेंगे ये कक्षा खत्म नहीं होगी। क्लास टीचर्स, सपोर्टिव टीचर्स, जो भी टीचर यहां रूम में मौजूद हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को फैसिलिटेट करें कि वो अच्छी तरह से बात कर सके, अच्छी तरह से बोल सके और कोई गलती ना हो। चलते रहेंगे जब तक कि ये बात खत्म नहीं होती, सारे बच्चे इस तरह से नहीं बोल लेते। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।